गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे पहले की वीडियोस आप जरूर देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। एंड सो फाइनली आई एम टॉकिंग अबाउट माय हेयर, मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, कौन सा कंडीशनर लगाती हूँ, कौन सा सीरम यूज करती हूँ और कौन से ट्रिक्स और टिप्स मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑयलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते तो प्लीज जाके ऑयलिंग कीजिए अपने बालों को अच्छे से। ज्यादातर सैलून्स में बोलते हैं कि स्ट्रेटनिंग के बाद, स्मूथनिंग के बाद एंड केराटिन के बाद आप ऑयलिंग मत करो, बट आई सजेस्ट यू कि ऑयलिंग करो अच्छे से। स्कैल्प के लिए, हेयर के लिए ऑयलिंग भी इज अ मस्ट। सो जो ऑयल नहीं करता है कैसे हो आप, मेरे को तो समझ में नहीं आता। सो आप लोगों के बाल ट्रीटेड हो, हेयर कलर हो या केराटिन किया हो, जो भी स्ट्रेटनिंग किया हो, जो भी करो भाई बहन लोग, प्लीज़ जाके ऑयलिंग ज़रूर करो। एंड सो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगी ऑयलिंग के। सो फर्स्ट आप ऑयलिंग के पहले अपने बाल ज़रूर कोम्ब कर लो ताकि जो भी टेंगल्स है या रफनेस है जो भी बालों में वो स्मूथ हो जाए और कोई भी टेंगल ना रहे। उसके बाद आप चाहे भी कोई भी, और अभी तो विंटर का मौसम है तो विंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के हेयर में आते ही है। इवन कि जिन लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है हेयर में, उन लोगों को भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है या फिर बहुत सारे कुछ चीज़ हो जाती है अपने हेयर के साथ, रफ होते हैं, ड्राई होते हैं विंटर के टाइम पे। सो इसीलिए ऑयलिंग इज़ अ मस्ट। एंड आप, मैं दो तीन चीज़ बताऊंगी जो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगी। सो आप कोई भी ऑयल लो आपकी पसंद, आपको जो भी ऑयल आपको पसंद है पर्सनली, उस ऑयल में आप दो एसेंशियल, इसमें से दो जो कोई भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो आप थोड़ा सा दो और तीन ड्रॉप्स आप मिक्स कर लो। वो है टी ट्री ऑयल और लेवेंडर ऑयल। ये दोनों एसेंशियल ऑयल में से कोई एक आप ले सकते हो एंड 2-3 ड्रॉप्स आप आपके नॉर्मल हेयर ऑयल के साथ मिक्स करके फिर आप मसाज करो अच्छे से अपने स्कैल्प को। एंड एसेंशियल ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रोपोर्शंस बहुत बहुत मात्रा में होती है, तो किसी किसी को इची स्कैल्प या स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाती है तो उनके लिए भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये प्रोसेस, आप ट्राई करो प्लीज। सो फॉर ऑयलिंग आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी ऑयल पसंद हो उसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल लो, या फिर आपको पसंद नहीं है एसेंशियल ऑयल, सो किसी किसी को होता है पसंद नहीं होता है क्योंकि उसके स्मेल फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं तो किसी किसी को पसंद नहीं आता है एसेंशियल ऑयल। सो आप क्या करो, आपका जो रेगुलर आप ऑयलिंग करते हो, आई सजेस्ट यू कि आप आलमंड ऑयल प्रेफर करो या फिर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। सो वॉट यू कैन डू इज़ आप थोड़ा सा हल्का ल्यूक वार्म करके फिर अपने बालों को मसाज करो धीरे धीरे और मेक श्योर आपके हर रूट में ऑयल पहुँचे, हर रूट में एंड टिप में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ऑयल कर लिया एंड इसको छोड़ दिया, नहीं, इसको भी करना है ऑयलिंग। सो आप अच्छे से, एंड एक चीज़, आप कभी भी अपने नेल से स्कैल्प को मत, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, मसाज मत करो। तो आपके जो फिंगर्स होते हैं उसी से आप धीरे धीरे मसाज करो एंड आप फ़र्क ज़रूर महसूस करोगे, क्योंकि हम लोगों का इन्फेक्शन तभी होता है जब डर्ट रहता है एंड हम उसमें और ज़्यादा उंगली कर देते हैं, लाइक उंगली मीन्स हम जब नेल्स अपने वो उस एरिया में इचिंग कर देते हैं तब सत्यानाश, 1-4 हो जाता है। सो इसीलिए अवॉइड कीजिए कि आप अपने फिंगर्स से मसाज करो, अवॉइड कीजिए आप अपने नेल से कभी मसाज मत करो। 1 घंटा रखती हूँ अगर टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो मैं ओवरनाइट रख के सो जाती हूँ, नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ के वॉश कर लेती हूँ एंड दिस द रिजल्ट। सो अनदर थिंग इज, आप जब भी अपने बालों को ऑयलिंग करो उसके बाद अपने फेस को ज़रूर वॉश करो अच्छे से, क्योंकि जब हम ऑयलिंग इधर करते हैं एंड हमारे स्कैल्प पे डर्ट रहती है, डैंड्रफ रहती है, तो क्या होता है हम जब ऑयलिंग करते हैं तो इधर से आप देखते हैं शायद इधर से भी ऑयल टपकता है एंड वो क्या करते हैं अपने फेस में बहुत सारे एक्नी और ब्रेकआउट्स पैदा हो सकता है। सो इसीलिए आप ज़रूर ज़रूर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो आफ्टर ऑयलिंग, देन
यू कैन स्लीप और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. और मैं सारी चीज़ों के लिंक, मुझे जो पसंद है पर्सनली, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो. तो सेकेंड टिप इज़, आप हमेशा एक कोम्ब अपने बाथरूम में ज़रूर कैरी करो जब भी आप हेयर वॉश के लिए जा रहे हो, क्योंकि कोम्ब योर हेयर बिफोर वॉश. ये एक ट्रिक है जो मुझे, शायद मुझे पहले से पता होती तो मैं कुछ, मेरे बाल अभी और ज़्यादा सुंदर होते. तो ये रिसेंटली मुझे 3-4 साल पहले पता चला ये चीज़. तो मैं अब भी, जब भी मैं वॉश करने जाती हूँ, मैं अपना कोम्ब लेके जाती हूँ बाथरूम में. सो ऑयलिंग के बाद आप 1 घंटा रह सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटा रख लो, फिर वॉश कर लो अपने नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से. एंड या फिर आप ओवरनाइट रख सकते हैं. अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है. ऑलवेज 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 अगर आप ऑयलिंग के बाद सो जाते हो, आप ओवरनाइट कैरी करते हो अपना ऑयलिंग सेशन, तो मेक श्योर कि आप अपना पिलो कवर चेंज ज़रूर करो. ये ऑयलिंग के लिए भी नहीं है, ये हेल्दी हेयर के लिए एक टिप है. आप हफ्ते में 2 या 3 बार अपने पिलो कवर ज़रूर चेंज करो. सो मिक्स योर शैम्पू विथ वाटर एंड आप शैम्पू सेव कर सकते हैं, एंड आपके बालों में डायरेक्ट शैम्पू नहीं जाएगा. अगर आपका शैम्पू माइल्ड है तो अच्छा है, और अगर आपका शैम्पू पैराबेन फ्री नहीं है तो थोड़ा सा रफ कर सकता है अपने बालों को. यूज़ करती हूँ पैंटीन हेयर फॉल सॉल्यूशन. दिस इज़ द होली ग्रेल शैम्पू फॉर माई सेल्फ. मैं मतलब कितने महीनों से पता नहीं, मैं पहले मामा अर्थ का वो टी ट्री डैंड्रफ वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती थी, बट उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा. हाँ पहले मेरे डैंड्रफ बहुत चले गए थे उस शैम्पू से, बट आफ्टर 15 और 16 डेज भर के मेरे, मतलब बूम, ऐसे मेरे डैंड्रफ वापस आए, और वापस आने से, और जितने पहले थे उससे ज़्यादा हो गए. मैं 5 या 6 महीने से इसी से मैं अपना बाल वॉश करती हूँ, मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ. आई एम नॉट किडिंग यू गाइज, दिस इज़ द बेस्ट हेयर फॉल शैम्पू आई एवर हैड. बेस्ट मतलब, प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ एक बार ट्राई करो मेरे रिकमेंडेशन से, प्लीज़ एक बार ट्राई करो. दिस इज़ द बेस्ट हेयर फॉल शैम्पू, बेस्ट. एंड आपके बाल इतने स्मूथ होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, क्या ही बताऊँ आपको. एंड इसमें मैं बता देती हूँ क्या क्या, ये टोटल डैमेज केयर शैम्पू है. तो इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर है, जो कि हम लोगों के हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. आपके बाल बहुत ग्रोथ करते हैं और सुंदर होते हैं, शाइनी होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हो जाते हैं. एंड इसमें प्रो विटामिन B5 है, जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है. सो गो फॉर दिस गाइज. इसके साथ वाला कंडीशनर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं नहीं करती हूँ. सो कंडीशनर के लिए आई ऑलवेज यूज दिस फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 months, आई गेस. पैंटीन प्रो वी ऑयल रिप्लेसमेंट ओपन हेयर मिराकल, जो कि दिस इज़ द प्रोडक्ट यू गाइज नीडेड योर इन योर लाइफ. सीरियसली आई एम टेलिंग यू गाइज, गो फॉर दिस विदाउट एनी सेकेंड थाट. सो इसको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. एज ए कंडीशनर तो आप यूज़ कर ही सकते हो, नो डाउट. एंड द सेकेंड, आप ये ऑयल रिप्लेसमेंट कर सकते हो. अगर आपको टाइम नहीं है ऑयलिंग का, झमेला नहीं चाहते, आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है घर के कामों से या कुछ भी, या फिर आपको बहुत ऑयलिंग करने का मन है बट अभी नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा बिजी हो, बिजी स्केड्यूल है आपका, सो आप गो फॉर दिस. आप थोड़ा सा ये अपने पाम में लो एंड इसको रब कर लो, एंड जस्ट रिप्लेस योर ऑयल विद दिस. आप जैसे ऑयलिंग करते हो, ये थोड़ा थोड़ा बस अपने बालों में लगा लो एंड यू आर गुड टू गो. सेकेंड, ये तो कंडीशनर का काम करता ही है बहुत अच्छे से, आप मेरे वीडियो में ज़रूर देखेंगे इसका कमाल. एंड थर्ड, ये हीट प्रोटेक्टेंट भी है. ओ माई गॉड, पैंटीन ने क्या किया ये निकाल के. ये हीट प्रोटेक्टेंट भी है. अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग टूल किट यूज़ होता है तो आप थोड़ा सा ये पाम में लेके रब करके आप जस्ट सीरम के जैसा यूज़ कर सकते हो. एंड आप जो मर्जी स्टाइलिंग करो अपने बालों को, बस ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है एज ए हीट प्रोटेक्टेंट. एंड
एज ए सीरम भी इसका चौथा कमाल है, ये एज ए सीरम भी यूज होता है। तो आपके पास बजट नहीं है सीरम का तो आप ये ले लो, ये सीरम का काम भी करेगा, ऑयल का काम भी करेगा, कंडीशनर का काम भी करेगा, हीट प्रोटेक्टर का काम भी करेगा। सो चार चार चीजें एक बॉटल में। वाओ। अदर थिंग इज यूज फिंगर्स व्हाइल अप्लाइंग कंडीशनर, नेवर यूज इट ऑन स्कैल्प डायरेक्टली प्लीज। अपने उंगली को अच्छे से ऐसे फिरा के फिर आप कंडीशनर, सिर्फ स्कैल्प पे तो कभी नहीं कंडीशनर, रिमेंबर गर्ल्स, स्कैल्प पे कंडीशनर नेवर नेवर नेवर। सो आप बस ऐसे ऐसे करो करके फिर जस्ट 5 मिनट्स आप रुक जाओ, 4 to 5 मिनट्स या 3 to 5 मिनट्स, एंड फिर वॉश कर लो। एंड लास्ट वॉश आप कोल्ड वाटर से करो, जो कि 3 या 4 मग डाल दो अपने बालों में, बस खत्म। एंड यू आर गोइंग टू हैव ए स्मूथ एंड शाइनी बाल। जिन लोगों के बहुत लंबे बाल होते हैं उन लोगों का कंप्लेन रहता है कि नहीं मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ऑयलिंग के बाद जब हम शैम्पू करते हैं तो उसके बाद शैम्पू ऑयल रह ही जाता है, पूरा ऑयल नहीं निकलता है जितना भी शैम्पू कर लेते। उसके लिए एक टिप है, अगर आपके बाल लंबे हैं एक मग में आप शैम्पू डाल लो एंड उसमें पिंच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल लो, सॉल्ट डाल लो, और उसको मिक्स करके फिर आप शैम्पू करो। सो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट में बहुत सारे गुण होते हैं, तो वो हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से स्क्रब कर देता है। सो जो भी डर्ट हो वो भी निकल जाता है, डैंड्रफ का तो प्रॉब्लम वो तो निकलता ही है, इन्फेक्शन वो सारे चीज़ वो हील कर देता है। बट हर टाइम नहीं, सॉल्ट भी इतने मात्रा में अगर सॉल्ट भी हमारे स्कैल्प में जाएगा तो भी बाल खराब होंगे। तो कभी कभार आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो शैम्पू के साथ मिक्स करके, तो आपके बाल क्या होंगे उससे ज़्यादा झाग निकलेंगे एंड आपके बाल से सारा ऑयल चला जाएगा, अगर आपके बाल लंबे हैं तो। पर शॉर्ट हेयर के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस। कमिंग टू आवर मेन पार्ट जो कि है सीरम लगाना। सो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सीरम थप 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 करके बहुत सारे ले लिए और स्कैल्प में, पूरे बालों में, रूट्स में, टिप में, सारे जगहों पे लगा दिया। बट नो, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक एक क्वांटिटी रहता है और एक एक जगह, स्पेसिफिकली एक जगह पे लगाना होता है, जो कि मैं बताऊँगी आज आपको। और सीरम लगाने का एक तरीका है, आप बस 3 या 4 ड्रॉप लो, अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो आप 3-4 ड्रॉप लो, ऐसे आप रब करो एंड बस आप नीचे के बालों में, टिप में ज़्यादा फोकस करो ऐसे, एंड देन जो भी बचा कुचा हुआ होगा वो आप ऊपर की तरफ लगा लो एंड दैट्स इट बस। सो अनदर थिंग इज, अगर आपके पास, आप बहुत बिजी गर्ल हो, आपके पास टाइम नहीं है ऑयलिंग का, या फिर आपको स्पा करने का कोई भी टाइम नहीं है, तो आप एक मास्क खरीद लो, हेयर मास्क। वो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मैं कौन सा रेकमेंड करती हूँ आप लोगों को। आप एक मास्क खरीद लो, आप हफ्ते में एक बार एटलीस्ट बिफोर शैम्पू आप 15 मिनट्स इज मोर देन एनफ, तो आप 15 या 20 मिनट्स मास्क लगा के रखो एंड शैम्पू करो, कंडीशनर करो, जो भी करो, अगर आपके पास ऑयलिंग का टाइम नहीं है, एंड यू आर गुड टू गो डूड। यही बस कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक पता चले हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने बालों के साथ, इसीलिए मेरे बाल इतने हेल्दी है। मैंने पता नहीं कितनी बार मैंने अपने बालों को ट्रीट किया है, मैं क्लास 8th या 9th क्लास में ही मैंने अपने बालों को कलर करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे स्कूल में डांट भी पड़ी एक बार, मेरे एक साइंस टीचर थे पांडे सर, सो उन्होंने बहुत डांटा था मुझे, मैं बहुत एम्बरेस फील किया मैंने। सो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, अपने बालों को फिर से ब्लैक कलर करके फिर स्कूल गई। सो स्कूल से ही मुझे, एक्चुअली मुझे बचपन से ही सजना संवरना बहुत पसंद था, सो मैं क्या करती बालों को, मैं बचपन से एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। सो मैंने इतना बार मैंने अपने बालों को कलर किया, मैंने इतनी बार मैंने स्ट्रेटनिंग किया, स्मूथनिंग किया। सो मैंने क्लास 11 में स्ट्रेटनिंग किया फर्स्ट टाइम, ठीक ठाक था। फिर मैंने क्लास 12 में स्ट्रेटनिंग किया फिर से, फिर मैंने एक साल गैप दिया, फिर मैंने डिग्री में अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एक बार मैंने स्ट्रेटनिंग किया, फिर ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया लास्ट ईयर में मैंने स्मूथनिंग किया,
चार बार हो गया। हाँ उस बीच तो कलर्स तो होते ही रहते हाईलाइट। नवरात्रि आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, बस कलर्स डालो घूमो फिरो ऐसा हो जाता था। सो मैं उतना केयर नहीं लेती थी, बट मैं ऑयलिंग ज़रूर करती थी। मेरी मम्मी पकड़ पकड़ के हम लोगों को ऑयलिंग करवाती थी। सो थैंक यू मम्मी जी, इसीलिए मेरे बाल अभी तक टिके हुए हैं इतना ट्रीटमेंट होने के बाद। फिर मैंने 2 साल पहले स्ट्रेटनिंग किया फिर से शादी के बाद। एंड लास्ट ईयर मैंने जाके, बहुत लोगों ने बोला कि इतने ट्रीटमेंट कर लिए तूने, अभी जाके तो बहन एक केराटिन कर ले। तो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर केराटिन किया। सो अभी तक तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मार्च मई में मैंने बी ब्लंट का कलर किया था। आप लोगों ने देखा मेरे वीडियोस पे है, अभी तक आप देख सकते हो। तो लास्ट मैंने मई में शायद या जून में बी ब्लंट कलर किया था। उसके कुछ ही दिन बाद, अभी कुछ दिन बाद हाल ही में मैंने फिर से ब्लू कलर कर लिया। और ब्लू कलर करने के पहले मैंने प्री लाइटनिंग किया, जो कि ब्लीच होता है। तो ब्लीच बालों के लिए बहुत ख़राब होता है, बहुत डेंजरस होता है, जो कि आपके बाल बहुत रफ एंड स्प्लिटेंट्स तो आते हैं। लेकिन आज तक मेरे बालों में एक भी स्प्लिटेंट्स नहीं है और टच उड नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपने बालों को। एंड एक चीज़, आप सारा दिन अपने बालों को होता है ना ऐसे टाई करके हम लोग रख देते हैं, नेवर डू दैट इन योर लाइफ। सारा दिन आपको अपने बाल टाई करके रखना नहीं होता है। बाल हम लोगों के जितने खुले रहेंगे उतने आप हमारे बाल उतने स्मूथ सॉफ्ट एंड हेयरफुल कम होंगे। सो ऑलवेज आप, अगर आपको खुले बाल बहुत मतलब आपके लंबे बाल हैं, आप खुले नहीं रख सकते हो, गर्मी लग रही है या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्या करो, एक ऐसे लूज सा एक पोनी कर लो, या फिर आप ब्रेड बना सकती हो। सो बट टाइटली अपने बालों को टाई मत करो। हाँ हम लोग, मैं भी करती हूँ बीच बीच में, कभी कभी मैं भी करती हूँ, पोनी बना लेती हूँ, टाइट सा एक पोनी बना लेती हूँ। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो पोनी 1 घंटा या 2 घंटे बाद मैं खोल देती हूँ, अपने बालों को ऐसे ही ओपन रखती हूँ, सांस लेने देती हूँ बालों को। सो मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ इस वीडियो में। हेल्दी हेयर के लिए आपको खाना भी वैसा ही चाहिए, तो आप अच्छे से विटामिन लो, प्रोटीन खाओ, आपके बाल ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएंगे। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। And I love you guys so, so, so much. So yeah, bye. Love you.